औरंगजेब, किसने गुरु घर में इतने तसीहे दिए, इतना विरोध किया, इतना दुश्मनी का भाव रखा गुरु घर से? औरंगजेब, ये बहुत बड़ी मिसाल है निर्वैरता की। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब उसका तीसरा पुत्र बहादुर शाह का जन्म नहीं हो रहा था, उसकी रानी का नाम आया है, वो राजपूतों के घराने से थी, माता नवाब बाई, गर्भ से पुत्र बाहर नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कितना दर्द होता है माता को बच्चे को जन्म देते के समय, वो दर्द लगातार हो रहा है क्योंकि बालक गर्भ में से बाहर नहीं आ रहा। औरंगजेब है बादशाह हिंदुस्तान का, बड़े बड़े वैद्य लगे हुए, हकीम लगे हुए, पर सब कह रहे हैं कि ना बच्चा बचेगा ना माता। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, कुछ नहीं हो सकता। औरंगजेब, उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो उपाय होगा, मुझे बताओ। तो कोई था समझदार उसके दीवान में, कहने का बता तो दे पर आप करोगे नहीं। औरंगजेब कहने का बताओ, कहने का 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण साहब जी इस वक्त दिल्ली में हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु हरकृष्ण साहब जी वो खुदा का नूर है धरती पर, उनके पास जाकर फरियाद करो, सब ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कोई वक्त होता, कोई और कहता तो औरंगजेब इसका सर कलम करवा देता, क्योंकि वो गुरु घर से इतनी नफरत करता था और उसने तसीहे दिए थे इतने गुरु घर में। पर ये वक्त ऐसा था कि कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था, तो औरंगजेब चुप कर गया। कहने का सच में खुदा का नूर है? वो कहने का मेरा विश्वास करो, मैं जानता हूं इस समय मैं कह रहा हूं कोई कारण है। वो मंत्री कहने लगा। औरंगजेब कहने का, पर किस मुंह से जाऊं मैं उनके पास, सब जानते कि मैंने उनके साथ क्या क्या किया है गुरु घर में, कितने तसीहे, कितने अत्याचार, दुश्मनी है हमारी उनसे, वो हमारी मदद क्यों करेंगे? प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। तब वो मंत्री जो गुरु हरकृष्ण साहब जी को पहचानता था, कहने लगा, नहीं आपने फिर पहचाना नहीं, इसलिए तो आप बैर करते हो उनसे, वो निर्वैर है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, उनका किसी से बैर नहीं। आप जाकर खड़े हो जाओ, फरियाद करो, वो जरूर आपकी फरियाद सुनेंगे और ये माता और बच्चा दोनों बच जाएंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर औरंगजेब ने फिर भी सबसे विचार करके कहा कि मैं नहीं जा सकता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं उनके सामने जाने की। और गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कह रखा था कि औरंगजेब हमारे सामने ना आए, वो सामने आएगा हम नहीं मिलेंगे। और औरंगजेब एक बार दरवाजे से वापस भी लौट चुका था। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने 3 दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गए थे, कहने लगे अंदर आने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, कि हम औरंगजेब के मत्थे नहीं लगेंगे, ये गुरु हरकृष्ण साहब जी के लफ्ज थे। पर जब औरंगजेब ने ये बात, सबको पता थी, औरंगजेब ने सारे मंत्रियों से कहा कि सारे जाओ, नंगे पांव जाओ उनके पास और उनसे फरियाद करो। सब दूर रथों पे गए, दूर रथ खड़े करके थोड़े फासले पे खड़े होकर नंगे पांव सब गए। गुरु हरकृष्ण साहब जी, 8वें गुरु नानक, छोटी सी उम्र मेरे गुरु हरकृष्ण साहब जी, बाला प्रीतम। मंत्रियों ने जाके फरियाद की कि औरंगजेब की घरवाली बहुत तकलीफ में है, ना बच्चा बचेगा ना माता, वैद्यों ने कह दिया है, आप तरस करो, हमारे गुनाह ना देखो, बख्श दो। साथ संगत जी, ऐतिहासिक घटना, गुरु हरकृष्ण साहब जी ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि औरंगजेब की बात है जिसे मत्थे नहीं लगाना है। वो औरंगजेब जिसकी वजह से गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे, वो औरंगजेब आगे भी क्या होने वाला है उन्हें पता है, सब कुछ जानते बूझते हुए उन्होंने उसी वक्त, ये बहुत सीखने वाली बात है जो अभी गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कही, ऐतिहासिक घटना है, जल मंगाया। जल मंगाकर श्री जपजी साहब जी की बाणी पढ़ी गुरु हरकृष्ण साहब जी ने, श्री जपजी साहब जी की बाणी, और वो जल दे दिया, कहने लगे माता को जाके पिला दो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। ये घटना सुनाकर महापुरुष कहा करते थे, कभी ऐसा समय बना है बालक के जन्म के समय, तो कहते थे इसे अपना लिया करो, पिला दिया करो, क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहब जी ने युक्ति बताई है, बहुत सरल तरीके से सब कुछ हो जाएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, तकलीफ नहीं होगी। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने उस जल को लेकर श्री जपजी साहब जी की बाणी पढ़ी। आज जो लोग तर्क करते हैं, आज जो लोग ताने देते हैं कि जल आगे रख के क्या होता है, भाई आप गुरु हरकृष्ण साहब जी से बड़े हो तो बात अलग है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक।
वो जल ले जाकर पिलाया गया, तब जाकर बहादुर शाह का जन्म हुआ सात संगत जी। अब इससे बड़ी निर्वैरता की मिसाल क्या मिलेगी। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने एक पल के लिए भी विचार नहीं किया कि औरंगजेब की तरफ से आए हैं जिन्होंने इतने जुल्म किए हैं, उनका भी बेड़ा पार कर दिया, तरस किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहादुर शाह का जन्म गुरु हरकृष्ण साहब जी के आशीर्वाद से ही हुआ और माता भी बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुर अंदरो निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों